हम लोग सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं, और सर्कुलर मोशन में किसी पॉइंट पे हम हैं तो इसकी पोजीशन इस ओरिजिन से, मान लो पी पॉइंट है, इसे कहेंगे रेडियस वेक्टर आर वन। और जब ये पार्टिकल घूम करके यहां पर आ जाएगा तब इसे कहेंगे रेडियस वेक्टर आर टू। याद रखो आर वन का मैग्नीट्यूड आर टू के इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन अलग होने की वजह से हम लिखेंगे आर वन इज नॉट इक्वल टू आर टू। समझ गए? आर वन आर टू की डायरेक्शन अलग होने की वजह से, देख रहे हो एक ही डायरेक्शन इस तरफ है, एक ही डायरेक्शन इस तरफ है, इसलिए आर वन आर टू के इक्वल नहीं है। ठीक है, बच्चे बुक में देखते हैं कि आर वन आर टू दिया हुआ है तो ये रेडियस, तो कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि भाई रेडियस तो है लेकिन इनको नाम अलग अलग क्यों दिया है, डायरेक्शन की वजह से अलग अलग नाम दिया है। अच्छा, और ये चीज क्या है? ये है हमारी डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर, इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी कह सकते हो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और ये है एंगल थीटा, क्लियर है? और मैंने कल बताया भी था कि डेल्टा आर जो है वो है आर टू वेक्टर माइनस आर वन वेक्टर। इसको हम लोग ट्राइंगल लॉ से भी निकाल सकते हो। कैसे? जैसे देख रहे हो टेल हेड, यानी आर वन की टेल और ये हेड है, और डेल्टा आर की ये टेल है और ये हेड है, तो हम लिख सकते हैं जैसे ओ पी क्यू ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ओ पी क्यू आर वन प्लस डेल्टा आर, आर वन प्लस डेल्टा आर इज इक्वल टू आर टू। तो डेल्टा आर क्या होगा? डेल्टा आर होगा इज इक्वल टू आर टू वेक्टर माइनस आर वन वेक्टर। क्लियर है? इतना काम हम कल कर चुके थे। अब इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये वाला काम हमने किया था, एक्सेलरेशन में करी थी। अब इस डिस्प्लेसमेंट के बारे में ही हम बात करेंगे। इस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा? अगर हमारी बॉडी पी पॉइंट से क्यू पॉइंट तक चली जाती है थीटा डिग्री एंगल पर रोटेट करते हुए, तो व्हाट इज दिस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो देखो डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड, डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? हाँ, डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? अंडर रूट, अंडर रूट कैसे लिखेंगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, ऐसे लिखते हैं ना। लेकिन याद रखो ये आर वन प्लस आर टू नहीं है, आर टू माइनस आर वन है। इस सिचुएशन में हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ आर वन का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ आर टू का स्क्वायर माइनस, बल्कि ऐसे लो टू या माइनस ही लिखेंगे क्योंकि माइनस में आता है, माइनस टू आर वन का मैग्नीट्यूड आर टू का मैग्नीट्यूड एंड कॉस थीटा। वैसे हम प्लस लिखते हैं ना, कब लिखते हैं प्लस? जब ये आर वन प्लस आर टू होता है तब हम यहाँ प्लस लिखते हैं, जब ये आर वन माइनस आर टू होगा या आर टू माइनस आर वन होगा तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस। लेकिन आर वन का मैग्नीट्यूड आर टू का मैग्नीट्यूड तो आर के इक्वल है कि नहीं? आर वन का मैग्नीट्यूड आर टू का मैग्नीट्यूड तो आर के इक्वल है, इसलिए हम क्या लिखेंगे इसको? इसको लिखेंगे आर वन स्क्वायर आर स्क्वायर, इसको आर स्क्वायर लिखेंगे, आर वन क्यों लिखेंगे? आर स्क्वायर लिखेंगे, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस टू आर स्क्वायर कॉस थीटा। देख रहे हो? अब आर स्क्वायर कॉमन निकाल लोगे बाहर तो क्या मिलेगा? आर बाहर आ जाएगा रूट से, वन प्लस वन माइनस टू कॉस थीटा, वन प्लस वन मतलब टू, टू माइनस टू कॉस थीटा, इसको लिखेंगे आर अंडर रूट टू, ठीक से लिखते हैं इसे, अच्छे से लिखेंगे वन माइनस कॉस थीटा। अगर आपको ध्यान हो आइडेंटिटीज में मैंने लिखाया था कि वन माइनस कॉस थीटा होता है टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, आइडेंटिटीज में हमने इस काम को किया था। देखो नीचे कर दे थोड़ा सा, काफी ऊंचा हो चुका है ये देखो वन माइनस कॉस थीटा होगा टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, आइडेंटिटीज में है आप देख सकते हो। और इससे हमें डेल्टा आर का जो मैग्नीट्यूड आया वो आया आर अंडर रूट फोर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू,
सो डेल्टा आर सिंपली डेल्टा आर लिख लो इज इक्वल टू 2r sin theta by 2। ये आया हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तुम्हें लग रहा होगा सर ये तो एक और फॉर्मूला आ गया, लेकिन देखो ये फॉर्मूला हम यूज करते रहे हैं जाने अनजाने में, जाने अनजाने इस फॉर्मूले को हमने यूज किया है। कैसे यूज किया है? देखो ये है क्या, ये है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जब हम अपनी बॉडी को, हमारी बॉडी पी पॉइंट से घूमते हुए क्यू पॉइंट पे जाती है तो ये डिस्प्लेसमेंट होती है, जब वो थीटा डिग्री एंगल पर मूव करती है। समझ गए? अब याद रखो, याद करो कि जब हम सर्कुलर मोशन पढ़ रहे थे, जब हमने स्टार्टिंग में डिस्प्लेसमेंट वाला टॉपिक पढ़ा था, अगर हमारी बॉडी यहां से चल करके यहां पर चली जाती है, रेडियस आर है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चली जाती है, तो डिस्प्लेसमेंट तुमने बड़े आराम से बताई थी ना, डिस्प्लेसमेंट क्या बताई थी जब ए पॉइंट से बी पॉइंट तक तुम गए थे, है ना, तो ए से बी तक घूमते हुए डिस्प्लेसमेंट क्या थी, याद आया क्या थी? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ए से बी के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी कि 2r आई थी ना 2r। तुमने इसी फॉर्मूले को यूज किया था अनजाने में। अब इस फॉर्मूले को यूज करो, जब हमारी बॉडी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चली जाएगी तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा, 180 का होगा ना, तो 180 डिग्री के एंगल पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, तो डेल्टा आर, देखो यहां पर डेल्टा आर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी 2r sin 180/2। 180/2 is width, what? 90. 90 means sin 90 means 1. So displacement is 2r. है ना? किया था ना तुमने अनजाने में ये फॉर्मूला, है कि नहीं? तो ये फॉर्मूला हमने इसको ही यूज किया था अनजाने में, लेकिन अब ये फॉर्मूला बड़ा काम का फॉर्मूला बन गया है। अच्छा, अगर मैं कह रहा था कि अगर आप ए से बी यहां पर, यानी ये एंगल 90 डिग्री है, यहां से गए तो ये डिस्प्लेसमेंट कितनी है, ये आर है, ये आर है, तो ये डिस्प्लेसमेंट तुमने निकाली थी आर रूट टू, तब भी तुमने अनजाने में इस फॉर्मूले को ही यूज किया था। कैसे? देखो अब एंगल को लेंगे 90, तो डेल्टा आर क्या होगा, डेल्टा आर हो जाएगा 2r sin 90/2 मतलब 45, मतलब डेल्टा आर इज इक्वल टू 2r 1/√2। इसका मतलब क्या हुआ, r√2, ये तो वही आ गया, है कि नहीं? लेकिन अब ये तो हमने कुछ फॉर्मूले कुछ एंगल्स के लिए हमने बड़े आराम से कर लिया था, जैसे 90 के लिए हमने बड़े आराम से कर लिया था, 180 के लिए बड़े आराम से कर लिया था, 360 के लिए भी पूरे आराम से कर लिया था, ठीक है ना, 360 के लिए पूरे आराम से हमने कर लिया था। लेकिन अब देखो 360 के लिए जीरो आएगा इसमें आंसर, अगर 360 करना चाहो ना तो थीटा को 360 लोगे तो 180 sin 180 जीरो, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, ये तो कमाल हो गया। समझ गए? तो ये फॉर्मूला ही हमने यूज किया है, लेकिन कुछ ऐसे एंगल्स भी होंगे जहां पर डिस्प्लेसमेंट निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तब हम इस फॉर्मूले की हेल्प से बड़े आराम से डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। समझ गए? तो ये होगी डिस्प्लेसमेंट इन व्हेन बॉडी रोटेट्स बाय एंगल थीटा। तो इसको कह सकते हैं दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिस्प्लेसमेंट, दिस इज फॉर्मूला फॉर डिस्प्लेसमेंट, displacement when a body makes an angle theta while rotating, while moving in a circle, moving in a circle, है ना? मजेदार फॉर्मूला और बहुत आसानी से हमने डिराइव कर लिया। देखो कैसे डिराइव किया था, डेल्टा आर इज टू r2 माइनस r1 और इसको यूज करते हमने लिखा, जो हम रिजल्टेंट का फॉर्मूला यूज करते वैसे ही फॉर्मूला है, लेकिन यहां पर माइनस का साइन यूज किया क्योंकि यहां पर r2 माइनस r1 है, क्योंकि एंगल 180 माइनस थीटा लिया जाएगा, तो हमने ये ऐसे लिखा, और r1 और r2 तो r के इक्वल है, तो हमने ऐसे लिखा और फिर सॉल्व करके इस तरीके से लिख लिया, तो ये आ गया डिस्प्लेसमेंट। अब इससे हम लोग निकालेंगे एवरेज वेलोसिटी, वो भी मजेदार चीज होगी, एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे।
तो इस फॉर्मूले को लिख के रखते हैं हम लोग, एवरेज वेलोसिटी इन सर्कुलर मोशन, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी इन सर्कुलर मोशन, एवरेज वेलोसिटी इन सर्कुलर मोशन। और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट, यही होता है ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम, यही फॉर्मूला होता है कि नहीं? तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, अगर थीटा डिग्री एंगल पे हमारी बॉडी मूव करती है तो डिस्प्लेसमेंट होगी 2r sin θ/2 और टाइम t, इसे कहेंगे, बल्कि इसे कहेंगे उतनी देर में, इसे कहेंगे एवरेज चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, एवरेज चेंज इन वेलोसिटी, एवरेज चेंज इन वेलोसिटी, ये एवरेज चेंज इन वेलोसिटी होगी, ठीक है। और r by t को हम लिखना चाहें तो 2v sin θ/2 भी लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी आ गई, आगे बात समझ में, अच्छा क्लियर है। अब एक्सेलरेशन निकालना है तो एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, एक्सेलरेशन क्या होगी, एक्सेलरेशन अगर निकालेंगे तो एवरेज एक्सेलरेशन होगी डेल्टा वी ए वी बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू 2v sin θ/2 बाई डेल्टा टी, ये होगी एवरेज एक्सेलरेशन जो हमने बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से निकाला है, बात समझ में आई, ठीक है। अच्छा कल मैंने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला डिराइव करवाया था, उस एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में जो रिजल्ट आया था हमने देखा था कि स्पीड चेंज होने की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रही थी, डायरेक्शन चेंज होने की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही थी। एक बार फिर से करते हैं और इसमें एक नई चीज निकल के आएगी उसको भी देखेंगे। तो हम निकालेंगे रिलेशन फॉर एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन, क्योंकि हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो जो एक्सेलरेशन होगी उसको हम कहेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन, बल्कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। अब देखो जब हमारी बॉडी रोटेट करती है सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो ये हुआ r1 वेक्टर और ये होगी वेलोसिटी वेक्टर v1, थीटा डिग्री एंगल पे घूमने पर ये होगा r2 वेक्टर r1 वेक्टर और ये होगा वेलोसिटी वेक्टर v2, अगर ये एंगल थीटा है। तो कल मैंने बताया था कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये तो हुआ तुम्हारा r2 और ये हुआ तुम्हारा r1, ये एंगल थीटा वेक्टर वेक्टर एंड दिस इज व्हाट, दिस इज डेल्टा r वेक्टर के फॉर्म में। और वेलोसिटी वेक्टर को हमने कैसे लिखा था, इसको हमने डिस्प्लेस किया ऐसे, इसको डिस्प्लेस किया ऐसे, मतलब थोड़ा सा इसको ढंग से करें ऐसे, और इसको उठा करके लाए ऐसे, तो ये हुआ ऐसे और इधर डायरेक्शन होगी ये वाली, तो ये होगा डेल्टा v, इसको कहेंगे v1 वेक्टर v2 वेक्टर एंड दिस इज द एंगल, है ना। तो हमने कहा था अब एंगल देखो दोनों में सेम होगा, समझ गए कैसे दोनों में सेम होगा, जितना एंगल r1 r2 के बीच में होगा उतना एंगल v1 v2 के बीच में भी होगा। एग्जांपल एक देख सकते हो कि जब हमारी बॉडी r1 यहां पर है r2 यहां पर है, r1 r2 तो वेलोसिटी वेक्टर ये वेलोसिटी वेक्टर ये, इनके बीच में एंगल 90 तो इनके बीच में एंगल 90, और जब हमारी बॉडी r1 ये r2 ये, दिस इज r1 दिस इज r2 दिस इज योर v1 एंड दिस इज योर v2, अब देख सकते हो इनके बीच में एंगल 180 तो इनके बीच में भी एंगल 180, इसका मतलब जितना एंगल हमारे रेडियस वेक्टर के बीच में है उतना ही एंगल हमारे वेलोसिटी वेक्टर के बीच में भी है, इसीलिए मैंने r1 r2 के बीच जो एंगल है वही मैंने वेलोसिटी वेक्टर के बीच में भी लिखा। सो थीटा इज इक्वल टू डेल्टा r बाई r, अब देखो r r दोनों सेम है इसलिए मैंने इसको मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिख लिया जस्ट r रेडियस और इसको मैंने वेक्टर के फॉर्म में रखा, ठीक है। और यहां पर देखो थीटा इज इक्वल टू, और ना करना चाहो नोट ही करो कोई फर्क नहीं पड़ता, डेल्टा v बाई v, तो इक्वेट कर देते हैं, इक्वेट करने पे मैंने लिखा था डेल्टा v बाई v इज इक्वल टू डेल्टा r बाई r, डेल्टा v इज इक्वल टू v डेल्टा r बाई r, दोनों तरफ
हम लोग डिवाइड करेंगे डेल्टा टी से, तो हमें मिलेगा वी बाई आर डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, है ना। अगर डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल, अगर डेल्टा टी बहुत छोटा है, तो ये चीज बन जाएगी डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू वी बाई आर डी आर बाई डी टी, एंड दिस व्हाट, दिस वेलोसिटी, दिस एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v by r into v, so acceleration हमें मिली v square by r, इसे कहेंगे centripetal acceleration, centripetal acceleration कहते हैं। जो acceleration speed change होने की वजह से नहीं हो रही, जो acceleration direction change होने से, velocity change होने से हो रही है, उसे हम कहेंगे centripetal acceleration, यानी जिसकी डायरेक्शन सेंटर की तरफ है। ये बात क्लियर नहीं हुई, सेंटर की तरफ कैसे है? देखो ये, देखो यहां, देखो ये आपका v1 था, ये v2 है, तो डेल्टा v किस तरफ है? डेल्टा v हमारे सर्कल के सेंटर की तरफ ही आएगा, यानी इसको ऐसे कर दो तो ये जो डेल्टा v आएगा ना, वो हमारे सर्कल के सेंटर की तरफ ही आएगा। अगर मैं इसको उठाकर यहां ले जाऊं, अगर मैं इसको उठा के ऐसे ले जाऊं इधर, तो दिस इज डेल्टा v, डेल्टा v को डिस्प्लेस करें, है ना, तो सेंटर की तरफ ही आएगा। इसीलिए ये जो डेल्टा v है, इसकी डायरेक्शन सेंटर की तरफ आती है, समझ गए, इसकी डायरेक्शन किस तरफ आती है? सेंटर की तरफ, यानी रेडियस वेक्टर के अपोजिट आती है। रेडियस वेक्टर ये है, ये रेडियस वेक्टर है, एक्सेलरेशन डायरेक्शन इस तरफ आ रही है ना। तो हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें ऐसे लिखेंगे v square by r minus r, बल्कि minus r unit vector, तो ये होगी हमारी centripetal acceleration की direction, जो radius vector के opposite होगी। radius vector पता है कैसे होता है? ये है हमारा radius vector, radius vector के opposite है। समझ में बात, समझ के बात, क्या क्या समझ में आया? एक तो ये बात समझ में आई कि ये जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है ना, ये स्पीड बढ़ने घटने से नहीं हो रही, ये तो डायरेक्शन चेंज होने से हो रही है कि नहीं? क्योंकि हमने कहा था भाई ये एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक्सेलरेशन कब कब हो सकती है? या तो स्पीड इंक्रीज करे, स्पीड डिक्रीज करे, या डायरेक्शन चेंज हो, या फिर स्पीड भी चेंज करे और डायरेक्शन भी चेंज हो। तो यहां पर वही काम हो रहा है, यहां पर सिर्फ डायरेक्शन चेंज होने से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, इसे कहेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसकी डायरेक्शन रेडियस वेक्टर के अपोजिट यानी टुवर्ड्स द सेंटर लगती है। बात क्लियर होगी? ठीक है, ओके, क्लियर है। इसको अपने आप से करके देखना है, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो जल्दी से हजम नहीं होते, ठीक है, उनको यूज टू होने में टाइम लगेगा, क्लियर। तो एक बार अपने, एक बार, दो बार, तीन बार समझ समझ के करोगे तो इस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। याद रखो ये गोल गोल घूमने वाले जितने भी टॉपिक्स हैं ना, सर्कुलर मोशन, आगे हम पढ़े रोटेशन मोशन, ये आदमी को घुमा देते हैं, क्योंकि हम इस पर इतना सोचते नहीं हैं, तो सोचना और करना जरूरी है। तो दो तीन बार करोगे तो क्लियरिटी आएगी, सोचो समझो कि ऐसा क्यों हुआ, रीजन आउट करो। अच्छा, अब हम बात करेंगे एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। देखो एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी हमने पढ़ा है, लीनियर वेलोसिटी क्या होती है? लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी v होती है डिस्टेंस अपॉन, अरे लीनियर स्पीड कर लो, स्पीड क्या बढ़िया रहेगा, लीनियर स्पीड, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, और एंगुलर स्पीड को कहेंगे, एंगुलर स्पीड को कहेंगे व्हाट, एंगल अपॉन टाइम। क्लियर है बात? लीनियर स्पीड मतलब स्ट्रेट लाइन में मूव करते हुए डिस्टेंस अपॉन टाइम को कहते हैं लीनियर स्पीड, रोटेशन मोशन में अगर हम नापेंगे तो एंगल अपॉन टाइम, उसको कहेंगे एंगुलर स्पीड, यानी कि ओमेगा, एंगल अपॉन टाइम इज ओमेगा, इसको कहते हैं डब्ल्यू है, दिस इज ओमेगा, ग्रीक लेटर है ओमेगा, समझ गए? अच्छा,
जब हमारी बॉडी रोटेट करती है, थीटा डिग्री एंगल पर मुड़ती है, दिस इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा, दिस इज लेंथ, दिस आर्क ए बी आर्क है, दिस इज रेडियस, है ना। तो स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा, तो ये डिस्टेंस यानी लेंथ ऑफ आर्क अपॉन टाइम, है ना। तो लेंथ ऑफ आर्क निकालना चाहो तो v क्या होगी, डिस्टेंस क्या होगा, थीटा डिग्री एंगल पर हमने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, मान लो टाइम t लगा, तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, अगर आप थीटा डिग्री एंगल पे टर्न करते हो तो आप डिस्टेंस कितनी मूव कर चुके हो। चलो अगर आप 360 डिग्री एंगल पे मूव कर जाते हो तो कितने डिस्टेंस मूव करते हो बताओ। अगर आप 360 डिग्री एंगल पे घूम जाओगे आर रेडियस के सर्कल में तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहां से चल के वापस यहां पर आ गए, देन व्हाट इज दिस डिस्टेंस, 2 पाई आर ना। तो हम ऐसे कह सकते हैं फॉर 2 पाई डिस्टेंस इज 2 पाई आर, है ना, क्योंकि आर रेडियस है, एंड फॉर 2 पाई या 360 डिग्री कह लो, है ना, 2 पाई रेडियंस कह लो, फॉर 1 रेडियन क्या हो जाएगा 2 पाई आर, बल्कि इसको 360 में करने में बेटर रहेगा, 360 डिग्री कर लो, जो 360 डिग्री पर क्या 2 पाई आर, और 1 डिग्री पर कितना बाय 360, और थीटा डिग्री पे कितना 2 पाई आर बाय 360 इनटू थीटा। तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी हमारी, वेलोसिटी आएगी 2 पाई आर बाय 360 इनटू थीटा, ठीक है। और अगर मैं इसको 2 पाई आर, इसको भी 2 पाई कर दूं तो v इज इक्वल टू आर थीटा, ठीक है, v इज इक्वल टू आर थीटा मिल जाता है, क्लियर। और इसको ऐसे भी हम लोग रख सकते हैं, और टाइम आ गया, ये है हमारा टाइम, ये है टाइम आ गया, टाइम तो आएगा क्यों, डिस्टेंस है, इधर जस्ट डिस्टेंस आई हमारे पास, टाइम भी आएगा यहां पर, टाइम भी आएगा। तो क्या लिखा हमने, तो हमारी वेलोसिटी आ जाएगी v इज इक्वल टू आर थीटा बाई टी। अब इसकी बात करते हैं, एंगल अपॉन टाइम, हम कितना एंगल मूव कर चुके हैं, हम कितना एंगल मूव कर चुके हैं, थीटा, तो यहां लिखेंगे थीटा बाई टी, तो एंगल ऑफ वेलोसिटी बन गई थीटा बाई टी। अब इधर देखो थीटा बाई टी क्या है, थीटा बाई टी इज ओमेगा, सो दिस इज R into omega, so V is equal to omega R. ये formula आ गया linear speed और angular speed के बीच में, formula relating linear speed and angular speed, ये formula दोनों के बीच में आ गया, समझ के। हमने नॉर्मल तरीके से ही किया है, कैसे, स्पीड होती है डिस्टेंस बाय टाइम, एंगल स्पीड होगी एंगल अपॉन टाइम। अच्छा, फिर हमने देखा थीटा डिग्री एंगल पे हमारी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं कि 2 पाई एंगल पर हमारी डिस्टेंस होती है, 2 पाई एंगल पे, 2 पाई रेडियन पे हमारा एंगल होता है, डिस्टेंस होती, सॉरी डिस्टेंस होती 2 पाई आर, तो एक एंगल पे होगी 2 पाई आर बाय 2 पाई और थीटा पे इनटू थीटा, सो क्या मतलब है आर थीटा बाय टी, क्यों टाइम भी था, तो वेलोसिटी मिला हमें r थीटा बाय t, लेकिन थीटा बाय t तो ओमेगा है, सो हमें मिला ओमेगा r, सो v इज इक्वल टू ओमेगा r, समझ गए। ये फार्मूला क्या है, रिलेशन बिटवीन लीनियर स्पीड एंड एंगुलर स्पीड, क्लियर हुई बात, रिलेशन बिटवीन लीनियर स्पीड एंड एंगुलर स्पीड। अब सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन जो हमने फार्मूला निकाला था ना, उसकी बात कर लेते हैं। हमने फॉर्मूला निकाला था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, क्या निकाला था, हमने निकाला था एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, लेकिन अभी हमने लिखा है वी इज इक्वल टू ओमेगा आर, तो हम क्या लिखेंगे, एसी बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन आर, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फॉर्मूला बना ओमेगा स्क्वायर आर, समझ गए, आई बात समझ में, सो दिस इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो हमारे पास कौन कौन से फॉर्मूले हुए, हमने जो निकाले हैं, एक तो निकाला v इज इक्वल टू ओमेगा r,
सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का वी स्क्वायर बाई आर, और सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ओमेगा स्क्वायर आर, और डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला निकाला हम लोगों ने, डिस्प्लेसमेंट का डेल्टा आर दैट इज 2r sin theta by 2 और एवरेज वेलोसिटी 2v sin theta by 2, ये फॉर्मूले हम निकाल चुके हैं। अच्छा और देखो और क्या कर सकते हैं हम लोग, ओमेगा क्या है, ओमेगा है थीटा बाई टी, है ना, ओमेगा एंगल अपॉन टाइम, एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा, समझ गए। अगर एक रोटेशन की बात की जाए, इन कंप्लीट वन रेवोल्यूशन एक कंप्लीट रेवोल्यूशन की बात करी जाए, तो थीटा कितना होगा 2π, और टाइम को कहेंगे कैपिटल टी, कैपिटल टी मतलब टाइम पीरियड। तो ओमेगा क्या बन गया, ओमेगा बन गया 2π अपॉन टी, है ना, 2π अपॉन टी, क्लियर है। लेकिन इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन टी। व्हाट इज 1 अपॉन टी, 1 अपॉन टी कुछ होता है ना फ्रीक्वेंसी, तो ये बना 2π न्यू, तो ओमेगा का फॉर्मूला बना 2π न्यू। एक और फॉर्मूला यहां पर हम लिस्ट में जोड़ सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/T, ओमेगा इज इक्वल टू 2π न्यू। तो ये हुई हमारे सर्कुलर मोशन में फॉर्मूले की लिस्ट, समझ आई बात, क्लियर है, बहुत इजी है ना, ओमेगा थीटा बाई टी किस कोई भी एंगल टाइम, पूरे सर्कुलर मोशन के लिए एंगल 2π, टाइम टोटल टाइम कैपिटल टी, 1/T को फ्रीक्वेंसी न्यू, है ना, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में दी जा सकती है, रोटेशन पर सेकंड्स में दी जा सकती है, रोटेशन पर मिनट में भी दी जा सकती है, और उससे हमें मिला ओमेगा इज इक्वल 2π न्यू, क्लियर है। अब कुछ छोटे मोटे न्यूमेरिकल कर लेंगे बहुत इजी से, ताकि थोड़ा सा हम इस टॉपिक के कुछ फॉर्मूलेज को यूज करना हमें आ जाए। चलो करते हैं, सबसे पहले सिंपल सा फॉर्मूला करेंगे, सिंपल सा हम लोग निकालेंगे एंगुलर स्पीड ऑफ सेकेंड हैंड ऑफ अ क्लॉक, एंगुलर स्पीड ऑफ सेकेंड हैंड ऑफ ए क्लॉक। सेकेंड हैंड जानते हो ना, सेकेंड की सुई मान लो उसकी लेंथ है, इजी सी ले लेते हैं 1 सेंटीमीटर ले लेते हैं, तो रेडियस है 1 सेंटीमीटर, तो ये हमारी घड़ी है, और हमारी जो सेकंड की जो सुई होती है वो सबसे बड़ी होती है, ठीक है, और वो एक मिनट में एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करती है ना, मान लो इसकी लेंथ है 1 सेंटीमीटर, ठीक है, इट्स लेंथ इज 1 सेंटीमीटर, हमें क्या निकालना है, ओमेगा निकालना है, ओमेगा 2π/T, अभी तो क्या है 2π/T, सो एक रेवोल्यूशन में एंगल हुआ 2π, टाइम कितने सेकंड्स, 60 सेकंड्स, तो हम लिखेंगे 2π/60 सेकंड्स, तो ओमेगा आ गया π/30 रेडियन, क्यों एंगल नापा जा रहा है रेडियंस में पर सेकंड, सो ओमेगा इज π/30 रेडियंस पर सेकंड, क्लियर हुई बात। अच्छा अगर ये पूछा जाए व्हाट इज द स्पीड, व्हाट इज द लीनियर स्पीड ऑफ द टिप ऑफ द सेकंड हैंड के टिप के ऊपर लीनियर स्पीड कितनी है, वी पूछा जाए, वी, तो ओमेगा हमारा मिल गया हमें π/30, हमें वी पूछा जा रहा है, तो क्या होता फॉर्मूला इनके बीच में, वी और ओमेगा के बीच, हाँ ये रहा, सो वी इज इक्वल टू ओमेगा आर, हम लिखेंगे ओमेगा इनटू आर, ओमेगा यहां से ले लेंगे π/30, और रेडियस कितना है 1 सेंटीमीटर, यानी इतने मीटर, तो v बन जाएगा इतने π/30 × 10⁻²² मीटर पर सेकंड। अब अगर आप सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन निकालना चाहो तो वो भी निकाल सकते हो, ac इज
वी स्क्वायर बाई आर वाला फॉर्मूला यूज कर लो या फिर ओमेगा स्क्वायर आर फॉर्मूला यूज कर लो। तो दोनों फॉर्मूले यूज करके यू कैन फाइंड द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्लियर हुई बात? एक और क्वेश्चन करते हैं इजी सा। आपका जो फैन होता है, फैन घर में जो फैन होता है उस पे लिखा रहता है इतने आरपीएम, या आपने आपकी बाइक होगी ना, आपके बाइक बाइक पे लिखा रहता है आरपीएम, है ना, 2 मीटर होते हैं, स्पीडोमीटर होता है जिसमें स्पीड मालूम पड़ती है, एक आरपीएम होता है, आरपीएम उस पे आरपीएम लिखा रहता है क्रॉस 1000। जैसे आप हल्की सी रेस देते हो ना स्कूटर की या बाइक की या कार की, तो वो अचानक से सुई ऐसे आती है, जैसे आपने जैसे रेस दी ना तो घूम घूम ऐसे, मतलब थोड़ी सी आवाज आएगी घूम, और बहुत ज़्यादा रेस दे दोगे घूम ऐसे जाए, तो क्या है वो आरपीएम बढ़ गए, है ना, जब जैसे रेस दोगे अचानक से सुई यूं हो जाती है, तो वो आरपीएम बढ़ने की इंडिकेशन है। आरपीएम मतलब आरपीएम इज रोटेशन पर मिनट, इसे कहते हैं रोटेशन पर मिनट। मान लो आपके स्कूटर की बाइक की कार की आरपीएम है 1200 आरपीएम, ठीक है, और व्हील जो है ना, व्हील रेडियस ऑफ व्हील, जो रेडियस है व्हील का वो है मान लो 50 सेंटीमीटर, बहुत बड़ा हो गया 50 सेंटीमीटर, काफी बड़ा हो गया 50 सेंटीमीटर, लेकिन चलो कर लेते हैं। हमें निकालना है ओमेगा वी सेंटीपिटल एक्सेलरेशन वगैरह वगैरह, ठीक है। तो पहली बात ये क्या है, ये है रोटेशन पर मिनट, मतलब फ्रीक्वेंसी है, दिस इज फ्रीक्वेंसी, लेकिन फ्रीक्वेंसी पर सेकंड में नापी जाती है, तो इसका मतलब है कि एक मिनट के अंदर 1200 रोटेशन, यानी 60 सेकेंड्स के अंदर 1200 रोटेशन, एक सेकेंड के अंदर 1200 बाई 60, यानी कि दिस 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 20 रोटेशन पर सेकेंड, ये होगी हमारी एक्चुअल में जो हम फ्रीक्वेंसी यूज करेंगे न्यू। तो ओमेगा क्या होगा, ओमेगा हो जाएगा, यानी देते हैं ओमेगा इज 2 पाई न्यू, दैट इज 2 पाई इनटू व्हाट, 2 पाई इनटू 20, सो इट इज 40 पाई रेडियन पर सेकेंड। क्या आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं, लीनियर स्पीड, सो वी हो जाएगा ओमेगा आर, ओमेगा 40 पाई, और आर कितना है, आर इज व्हाट 50 सेंटीमीटर, यानी 0.5 मीटर, तो क्या बना 2200, तो 20 पाई मीटर पर सेकेंड, हो गया, समझ गए। तो इस आरपीएम वाली चीज पर आपको ध्यान देना है, इट इज रोटेशन पर मिनट। क्लियर हुई बात? ओके, तो आज हम इतना ही करते हैं।